Mukta of Uttaran is worried as her husband Vishnu has not reached home yet. Meanwhile, Mukta gets angry over a delivery boy who has handed her a parcel carrying the photographs of Vishnu's fight with Akash. Here, Mukta is also getting angry over Akash and Meethi. Watch the On Location shoot here. ये है आपके सामने आपका आकाश और आपकी लाठी मीठी। आपके ये तो ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते, एकदम सच्चे इंसान है। आप विष्णु मंदिर में मिला हो या कोटे पर, ये तो जो भी कहेंगे वो सच ही होगा, क्योंकि दामिनी के परिवार से है ना ये, और दामिनी के परिवार ने तो सच्चाई का ठेका उठा रखा है, बाकी तो सारे झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। फिर से आकाश और विष्णु आजकल बहुत मारपीट कर रहे हैं। एक दिन कुछ दिन पहले भी, अभी मम्मी पापा की जिस दिन शादी थी उस दिन भी मारपीट करने लग गए थे। एक्चुअली आकाश ही मार रहा है विष्णु को, बेचारे को, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा है क्यों मार खा रहा है वो। अभी कुछ नया मुसीबत खड़ा हो गया है जिसमें कुछ पिक्चर्स घर पर आए हैं और पता चला है कि आकाश ने वापस से विष्णु पर हाथ उठाया और विष्णु को मारा है। किस वजह से मारा है, कहाँ पर मारा है, कुछ पता नहीं है। आकाश और मीठी का कहना है कि कोठे पर गया था विष्णु और वहाँ किसी लड़की पे ज़बरदस्ती कर रहा था, इसीलिए उस पर हाथ उठाना पड़ा ज़बरदस्ती। वो एक्चुअली उनका दिमाग थोड़ा सा संतुलन खो बैठा है, जो अभी तक मुक्ता को नहीं पता है, घर वालों को भी किसी को भी नहीं पता चल रहा है। उनका दिमाग संतुलन वो खो बैठा है। युवराज को तो मारा, अच्छा किया, क्योंकि युवराज मुक्ता के अगेंस्ट जाल बिछा रहा है। लेकिन आकाश और विष्णु का जो भी मारपीट हो रहा है, लग रहा है उसमें विष्णु की ही गलती है, क्योंकि वो कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है। लग तो रहा है कि युवराज की चाल है, कि ऐसे सडनली कुरियर वाला आया, फोटो लेकर आया। अंबिका, या तो युवराज का ही चाल होगा।